400 प्लस सीटें दी है एनडीए को। इस बार एनडीए को बंपर सीटें मिलेगी और बाकी सीटों पर विपक्ष को बढ़त मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देश में इस बार किसकी सरकार, इसका सबसे सटीक विश्लेषण इस समय आप न्यूज स्ट्रीट पर देख रहे हैं। हालांकि ज्यादातर महिलाओं से जब सवाल पूछा गया तो मोदी पहले नंबर पर, यानी कि 400 प्लस की बात महिलाएं कर रही हैं। 370 जिस तरीके से पहले बीजेपी कह रही थी प्लस उसके साथ ही, लेकिन यहां महिलाएं कह रही हैं 400 प्लस और एनडीए को भी सीट, और बाकी जो सीट बची वो जाएगी विपक्ष के खाते में। हालांकि महिलाओं की हमेशा से पहली पसंद, अगर 14 के बाद से लगातार देखा जाए, 2014 का चुनाव और 19 का चुनाव, ये लोकसभा का चुनाव, और वही उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लगातार बात की जा रही 17 का चुनाव और 22 का चुनाव, जो कि बीजेपी के पक्ष में महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया। सुरक्षा एक अहम मुद्दा पश्चिमी यूपी में जो रहा है, इसके अलावा राशन, ये दो अहम चीजें हैं जो बीजेपी की तरफ महिलाओं को खींचती जरूर है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, महिलाओं का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव में आधी आबादी ने जमकर भागीदारी की है, बड़ी संख्या में मतदान किया है, यहाँ तक कि पुरुषों को मतदान के मामले में वो टक्कर देती हुई नजर आई है। ऐसे में महिला मतदाताओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो ज्यादा है ही, साथ ही साथ ये सरकार बनाने की स्थिति में भी है। अगर देखा जाए तो पिछले दिनों जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें 76% महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। ऐसे में कानपुर में तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उन्होंने किस मुद्दे को ध्यान में रख करके वोट किया और इस बार क्या चाहती हैं, वो किसकी सरकार बने। सरकार मोदी जी की चाहते हैं और शुरू से आखिरी तक जब से 14 में वो बने हैं तब से उन्होंने केवल महिलाओं के विषय में सोचा है। जब सर्वप्रथम यदि मोदी जी ने हम महिलाओं के विषय में सोचा है तो हम महिलाओं का यही कर्तव्य है कि हर समय आज तीसरी बार 400 पार करके प्रधानमंत्री बनाए। मुझे तो लग रहा है कि मोदी जी अपने पूर्व मोहम्मद से सरकार बनाएंगे और ना केवल वो 2014 से महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, वो ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो और चाहे आपकी वो महिला बच्चों का, जो अपने हमारे बच्चे हैं उनके बारे में भी वर्ग है, उसके बारे में भी वो सोचा जा रहा है। बहन जी ने बताया है, लवली जी ने जो जिस तरह से बताया है बहुत अच्छा बताया है, और सही पूछो तो जनता उन्हीं के लिए मरती है, उन्हीं के लिए करती है, वो सबके लिए करते हैं, तो हम लोग तो भाई उनके लिए वोट देंगे और दिलवाए और उनके लिए काम किया जी। महिलाओं को उन्होंने इतना आरक्षण दिया है, महिलाओं को कितनी सुविधाएं दी हैं, आज जो महिला आगे बढ़ रही है मोदी जी की वजह से ही बढ़ रही है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने महिलाओं को बढ़ाया है और मैं तो बस बहुत खुश हूं और मैं तो ऐसे ही प्रधानमंत्री को चुनती हूं और उन्हीं को वोट दूंगी आगे हमेशा ही। चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने। आपने किसको वोट किया और क्या लग रहा है कौन इस बार जीतने जा रहा है कानपुर से, उसके बाद देश में किसकी सरकार बनेगी? कानपुर से तो रमेश अवस्थी जी जीतेंगे और देश में मोदी जी की ही सरकार बनेगी और मोदी जी ही जीतेंगे और हमेशा मोदी जी ही रहेंगे, हमारे लिए और कोई भी नहीं है, एक चेहरा मोदी जी का। उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा कंसर्न हुआ करता था कुछ समय पहले, सिक्योरिटी महिलाओं की बढ़ी? जी बिल्कुल बढ़ी है, जिस प्रकार हम अब शायद मैं भी निकलती हूँ स्कूटी लेकर के रात को 11:30 बजे नौबस्ता अपने पतिदेव को छोड़ने अगर जाती हूँ तो वापस आती हूँ तो मुझे इस बात का भय नहीं होता कि कोई चैन छीन लेगा। मुझे लगता है जो राजा सन्यासी होगा उससे बेहतर राजा कोई नहीं हो सकता और हम लोग उनको देखते रहते हैं, हमेशा उनको फॉलो करते हैं कि वो मतलब जब से उन्होंने सरकार बनाई है तब से वो व्यक्ति प्रतिदिन मतलब परमानेंट वो चल रहे हैं, इतनी मेहनत शायद हम भी नहीं करते जिस उम्र में वो इतनी मेहनत कर लेते हैं। मैम आप बताइए आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट किया और कानपुर के क्या हालात दिखते हैं, कौन जीत रहा है यहाँ से? रमेश अवस्थी जी जीत रहे। क्यों भाई? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी फिर दोबारा बनेंगे और उनके प्रतिनिधि बन के आए, महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो मोदी जी ही है, सिर्फ मोदी जी और कोई मेरे नजरों में नहीं है। बीजेपी सरकार में दावा भी किया जाता है कि महिलाओं के लिए तमाम काम किए गए, महिलाओं के लिए तमाम स्कीम्स निकाली गई, यहाँ तक कि इन स्कीम्स में महिलाओं को प्राथमिकता भी दी गई। यही वजह है कि कानपुर में कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो महिलाओं में देखने को मिला और कहीं जो लहर है वो मोदी के पक्ष में दिखती। देखना यह होगा कि देश भर की महिलाओं ने किस तरीके से वोटिंग की है, क्या उनका वोटिंग पैटर्न रहा है, लेकिन कानपुर में कम से कम यही कहा जा सकता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी दिखाई पड़ रही हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से मोदी जी ने काम किए हैं वो आगे भी बीजेपी के लिए ही मतदान करती हुई नजर आएंगी। गुरुजन समित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्ट्रीट कानपुर। तो कानपुर में महिलाओं ने मोदी को अपनी पसंद बताया, लेकिन मेरठ की महिलाओं की क्या राय है ये सुनना बेहद जरूरी होगा। 24 में वो किसे प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती, किस पार्टी के काम से वो कितना
खुश हैं, ये जाना न्यूज स्टेट संवाददाता ने। मैं हूं कंकरखेड़ा के एक पार्क में और मेरे साथ तमाम महिलाएं हैं जो बुद्धिजीवी भी हैं और गृहिणी भी हैं, लेकिन अपनी सोच रखती हैं। किचन तो चलाती हैं लेकिन घर पूरा इन्हीं के इशारों पर नाश्ता झूलता है। जो ये चाहती हैं वो कर लेती हैं और इन्होंने जो चाहा उसी की सरकार भी बनी है। क्यों मैडम, मैं सही कह रहा हूँ? अपना नाम बताइए। ठीक कह रहे हैं, मैं हूँ पूनम टंडन। पूनम जी, क्या लगता है 2024 में? अब तो आज इलेक्शन का आखिरी चरण, सबकी किस्मत ईवीएम में बंद, दावे बहुत सारे हैं, महिलाओं को क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है इस बार का जो कंपटीशन है बहुत टफ है। जैसे कि 19 में हुआ था, एक तरफा चुनाव हुआ था, सबको पता था मोदी जी ने जीतना है, लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ फर्क है। तो आप ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में बीजेपी आएगी। उनके घर बनवाने से लेके पानी तक के लिए, हर चीज के लिए बहुत मेहनत करी है उन्होंने भी, और महिलाओं ने भी उनका पूरा साथ दिया और देंगी आगे भी। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता शर्मा है। शर्मा जी, आपको क्या लग रहा? मेरी तो बिल्कुल ये है कि 101% आएंगी, मोदी जी आएंगे। अच्छा। हाँ जी, आप देख लेना, विश्वास के साथ कहती हूँ। अच्छा, मोदी जी में ऐसा क्या महिलाओं को नजर आता है? बहुत कुछ। पहले हम कैसे जीते थे और आज हम कैसे जी रहे हैं। अच्छा, पहले क्या था, अब क्या है? पहले तो बहुत किसी की चेन कट रही है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब यूपी की लाइन ऑर्डर जो है वो इस चुनाव में मेन मुद्दा है महिलाओं के लिए। जी जी, हाँ, हमारा तो विश्वास पूरा है कि मोदी जी ही आएंगे, और हमारे बच्चे, बच्चा, छोटा छोटा बच्चा कहता है कि मोदी जी ही आएंगे। हाँ जी, क्या नाम है मैडम? बाला गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए मैडम कि क्या मुद्दे वैसे थे आप लोगों के दिमाग में 2024 का जब चुनाव हुआ? क्या एक ही था, मन की बस देना है तो इसी को देना है और दोबारा कोई ऑप्शन सोचना भी नहीं? हमारा तो बीजेपी को ही, बीजेपी जीतेगी, मोदी जी आएंगे और उन्होंने देश के लिए बहुत किया, बहुत विकास किया है, सड़कें बनवाई हैं, मकान बनाए गरीबों के लिए, और अब जब जनसंख्या पे नियंत्रण भी करेंगे, नियंत्रण करेंगे जनसंख्या पे। मैडम, क्या नाम है? सुमन शुक्ला। सुमन जी, आपको क्या लग रहा है 2024 में क्या तस्वीर आपको नजर आती है? कहीं विपक्ष के लिए कुछ गुंजाइश आपको महसूस होती है मन में? कहीं गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है महिलाओं के लिए, उनको निर्भय बनाया है, सशक्त बनाया है, और उनको ऐसा रोजगार में जोड़ा है जो कि वो आत्मनिर्भर बन गई हैं। जब वो आत्मनिर्भर बन चुकी हैं तो वो तो उसी को सपोर्ट करेंगी ना, जिससे वो निर्भय हुए हैं। जो रास्ते में जाते टाइम उनको खतरा नहीं है, किसी भी प्रकार को उनको प्रतिबंध नहीं लग रहा। मैडम, क्या नाम? ज्योति सोम। ज्योति जी, आपको क्या लग रहा है? ठाकुरों में तो बड़ी नाराजगी थी, सोम होते ही मैंने पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी, कोई नहीं। एक तरफा आप देख लेना भाजपा सरकार हुई है, लेकिन सरगना तो आपकी बगल में ही है कंकरगढ़। कुछ भी हो लेकिन आप देख लेना भाजपा सरकार आएगी, आप चाहे मुजफ्फरनगर लोकसभा हो चाहे मेरठ हो, आप देख लेना भाजपा आएगी, सब जगह भाजपा, भाजपा आएगी, कन्फर्म है, कन्फर्म है। मैडम, क्या नाम है? लक्ष्मी ध्यानी है मेरा नाम। अच्छा लक्ष्मी जी, तो पहाड़ पे तो पांचों की पांच सीट पिछली बार बीजेपी ले गई थी उत्तराखंड में, इस बार आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मेरी तरफ से तो सरकार चाहे बीजेपी की आए या अन्य कोई भी आए, हमें तो काम से मतलब है, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा, है ना। तो मेरा तो यही कहना है कि थोड़ा सा बुनियादी शिक्षा पे और अच्छा काम किया जाए, और जो भी आए हम उन्हीं के साथ है, जो अच्छा काम करेगा तो जनता तो उसी के साथ होती है। मैडम, क्या नाम है? अनामिका त्यागी। अच्छा त्यागी जी, ये बताइए, यहाँ से तो एक त्यागी उम्मीदवार भी थे लोकसभा के चुनाव में लड़ रहे थे, तो देवदत्त त्यागी जी, तो कुल मिलाकर क्या रुख रहा त्यागी इसका? और वैसे कुछ त्यागी श्रीकांत त्यागी को लेकर नाराज भी थे, तो क्या इम्पैक्ट रहा इस चुनाव में, आप क्या फील करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बिरादरी के तौर पर बीजेपी अपने उसको देखती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम त्यागी हैं तो हम त्यागी को ही सपोर्ट करेंगे, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। तो फिर उनका क्या होगा देवदत्त त्यागी का? देवदत्त त्यागी जी, अब जरूरी नहीं है कि वो, अगर त्यागी है तो मैं चाहूंगी कि वो जीत जाए, बंदा काम करने वाला होना चाहिए अपने क्षेत्र में, अपने उसमें, बस ये है। नाम बताइए। मेरा नाम कल्पना पांडे है। कल्पना, क्या लगता है 2024 के चुनाव का सिनेरियो तुम्हें क्या दिख रहा है? 4 तारीख को अब खुलने वाला है खजाना, वोटों का खजाना खुलने जी, वाला जी, अब इस खजाने से जो निकलने वाले हैं, तो वो जो तिजोरी का जब खुलेगा, और तिजोरी में से जो हीरे जवाहरात निकलते हैं वो हमारे मोदी जी निकलेंगे, तो मैं तो वही बोलूंगी कि जो हमारे उसके अंदर चुन चुन के हमारे जो रखे गए हैं हीरे जवाहरात, उसमें मोदी जी हमारे, योगी जी हमारे, तो वही आएंगे, जो भी आएंगे वही आएंगे। मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम श्रद्धा है। श्रद्धा जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, पार्टी तो कोई सी भी आए, जो अच्छा काम करेगी लोग उसको पसंद करेंगे, तो मैं किसी पार्टी विशेष के लिए तो नहीं कहूंगी, बस ये कहना चाहूंगी जो भी पार्टी आए, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए जरूर काम करे।
और चलिए साथ ही साथ आपको गोंडा की महिलाओं की भी राय सुनाते हैं कि गोंडा की महिलाएं किसे अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहती हैं। आज हम हैं उन महिलाओं के साथ जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है, घर के रसोई की जिम्मेदारी होती है। नारियों को आधी शक्ति कहते हैं। ये वो शक्ति हैं जो सरकारें बनाती हैं, पलटती हैं, क्योंकि इनके हाथों में घर होता है, घर चलाती हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर जो ये 2024 का चुनाव है, ये चुनाव क्या रंग लाएगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा मुखिया। हम चलते हैं महिलाओं के पास। सबसे पहले हम आप लोगों से बात कर लेते हैं कि ये जो 2024 का चुनाव अभी हुआ है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 2024? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में किसकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से? मोदी जी की। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से जितने काम किए हैं महिलाओं को लेकर, और भी जो आप देखिए, पहले आप कहीं भी जब ट्रेवलिंग करते थे, घूमने जाते थे, तो सड़कें रास्ते अच्छे नहीं रहते थे। ये तो छोटी सी एकदम कॉमन सी चीज है, तो आपको मतलब बहुत परेशानी होती थी। अब हर एक गांव का कोने कोने का सड़क बनी हुई है। कौन होगा 2024 में? जो भी वोट पड़े हैं वो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जितने भी पेपर जगह जगह लीक हुए उनको देखते हुए युवाओं ने वोट किया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। कौन होगा मुखिया 2024 में? मोदी जी। क्यों? क्योंकि हम महिलाओं को जो है बहुत सारा सुविधा दिया है, इसलिए हम मोदी को चाहते हैं। 2024 का चुनाव क्या लगता है? मोदी को दिया था, मोदी जी से बहुत फायदा मिला। हमारे घर में लैट्रिन बन गई और नल लग गया, सब कुछ सुविधा मिल रहा है। 2024 में कौन होगा मुखिया आपके हिसाब से? हमारे मोदी जी, हम लोग उन्हें वोट दिए हैं। हमारा पूरा परिवार, हमारी बहू बेटियां उनके राज में सुरक्षित हैं। चाहे जब वहां निकलती हैं कोई टेंशन नहीं रहता है। 2024 में पहली बार हमें लग रहा है वोट दिया होगा। पहली बार तो क्या है, लगता है क्यों वोट और किसको? देखिए, एक हम पहली बार लड़की हैं, तो मुझे जो सपोर्ट मोदी जी ने दिया है बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था, इसलिए क्योंकि लड़कियां सेफ नहीं थी। अब लड़कियां सेफ हो गई हैं, लड़कियां रात में भी निकल सकती हैं, ऐसा नहीं है रात में नहीं निकल सकती, लड़कियां रात में भी निकल सकती हैं। तो ये वो नौजवान पीढ़ी है जो अभी पहली बार वोट किया है जिन्होंने, और उनके हिसाब से सुरक्षा मुख्य मुद्दा था जिसको लेकर के उन्होंने वोट किया है। गोंडा से अम्बिकेश्वर प्रताप पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और आगरा का रुख करते हैं। विनीत दुबे हमारे साथ लगातार सहयोगी है, बने हुए हैं। अब विनीत के साथ महिलाएं हैं। विनीत, बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि वो किसे 24 में चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का पद यानी कि पार्टी उनकी जीत हासिल करे। लेकिन विनीत, आप महिलाओं से बातचीत कीजिए, उससे पहले आपका आकलन 80 में से किसे कितना आप दे रहे हैं? देखिए, अगर सबसे पहले मेरी बात की जाए तो अगर हम उत्तर प्रदेश की सीधे सीधे बात करें तो मेरा आकलन ये है कि कम से कम 50 और 60 के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सीटें लाने में इस समय सफल होगी, और बाकी जो सीटें हैं वो सपा कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाएंगी। कहीं ना कहीं सीटों में कमी जरूर आएगी भारतीय जनता पार्टी के खाते में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहां पर वोट पड़ा है और गठबंधन को काफी ज्यादा कई सीटों पर वोट पड़ा है। सांसदों से जो वर्तमान में जो प्रत्याशी थे उनसे काफी नाराजगी थी, और यही वजह है कि सपा कांग्रेस गठबंधन को इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। महिला शक्ति, नारी शक्ति क्या कुछ कहती है, ये हम उन्हीं से जानेंगे, और उनसे जानेंगे कि उनका आकलन क्या कुछ कहता है, सरकार किसकी होगी और यूपी में किसकी सरकार होगी, देश में कौन प्रधानमंत्री होगी। मैं सबसे पहले अपना नाम बताता हूँ। देखिए, मेरा नाम ज्योति जाधव है। मैं चाहती हूँ जहाँ भी जो भी सरकार बने हमारे देश में, एक सशक्त और भरपूर मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बने, क्योंकि जब सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है तो वो महिलाओं से संबंधित सभी फैसले अपने सक्षम अपने बल के ऊपर ले सकती है। और यूपी में हमारी 80 सीटें हैं। योगी जी का जो कार्यकाल है इतना अच्छा है कि उसको देखते हुए महिलाएं हमेशा सपोर्ट करती। मेरा खुद महिलाओं से संपर्क रहता है, जहां पर छिटपुट कुछ जगह पुरुष नाराज हैं, पर जहां भी मेरी महिलाओं से बात हुई है
महिलाओं ने खुलकर बीजेपी को वोट दिया है और महिलाएं समर्थन कर रही है कि जो सरकार हमें सुरक्षा देगी, जो सरकार हमें स्वावलंबन देगी, हम उसी सरकार को सपोर्ट करेंगे। इस बार वोट तो अच्छा खासा पड़ा है, विपक्ष को भी अच्छा वोट पड़ा है, काफी सारी नाराजगी थी, तो यूपी में कितनी सीटें मानते हैं? कुछ जगह मैं मानती हूँ छिटपुट जगह ऐसी कुछ घटनाएं हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी सरकार पूरी 80 सीटें हम लोगों की ही आएंगी यूपी में, और हम सत्ता में भी आ रहे हैं। पिछली बार हमारी 303 सीटें थी, अब इस बार हम 400 नहीं तो 360 का आंकड़ा हम लोग अपने पूरे विश्वास के साथ लगा रहे हैं, और मोदी जी फिर से एक बार केंद्र में आएंगे और जो 10 साल में इन्होंने किया है उस कार्य को ये 5 साल में उसे उतना ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। देखिए जो काम रह गए हैं, जो हमारे संकल्प, हम अपने बीजेपी मैनिफेस्टो को हम संकल्प पत्र बोलते हैं क्योंकि हम संकल्प लेकर चलते हैं किसी भी कारण से। तो कुल मिला के अजय, अच्छा आप बताइए, आप गृहिणी हैं, परिवार चलाती हैं, महंगाई इस बार कुछ रहा है या फिर राष्ट्रपति के मुक्ति रहे हैं या फिर मोदी योगी का चेहरा इस बार? देखो क्या लगता है आपका आंकलन क्या कहता है, कौन जीतेगा इस बार? देखो जो भी रहा हो, लेकिन मुझे लगता है इस बार बीजेपी ही जीतेगी, अपने मोदी जी ही जीतेंगे, और क्योंकि जो उन्होंने कार्य किए हैं उससे लगता है कि हाँ वो जिन नारियों के लिए उन्होंने किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय, घर घर गैस दिलवाई उन्होंने, घर पक्की सड़कें करवाई उन्होंने, जो कार्य किया उसके अनुसार तो लगता है कि नहीं मोदी जी ही आने चाहिए, मोदी जी आने चाहिए। तो यूपी में कितनी सीटें मान रही है आप? मैंने 80-60 सीटें हैं उनकी। 60 सीटें मान रहे हैं जी, मतलब पिछली बार से कम मान रही, कुछ सीटें कम? अब देखो कुछ हुआ है 50-50 जो हुआ है उसके वजह से कुछ वोटें कम गए, लेकिन फिर भी चांस लग रहे हैं हमारे मोदी जी आएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे जी। अच्छा काम ज्यादा बहुत रहे। मैम आप बता दीजिए क्या लगता है इस बार आपको एज ए महिला, आपका आकलन क्या कुछ कहता है कि यूपी में किसकी सरकार? हम अभी आगरा पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में मेरा मानना तो यही है कि मोदी जी ही आए, क्योंकि जो आज तक 10 साल में काम हुए उससे पहले शायद नहीं हुए थे। महिलाओं की सुरक्षा, लोगों को रोजगार, गरीबों को राशन, गरीब योजनाओं के बारे में जितना कहा जाए, लोगों को गैस योजना, सारी योजनाओं का लाभ मिला है। और आज जितनी हम लोग महिलाओं को हम देखते हैं तो इतनी सुरक्षा है कि बारात के 12 बजे के बाद भी महिलाएं सुरक्षित निकलती हैं, और घर से जाने के बाद वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में लेके निकलती हैं कि अगर रास्ते में कहीं छेड़छाड़ हो जाए तो उसके साथ पलटवार कर सकती हैं, अपने आप को अनुभव लेके चलती हैं इस चीज से। तो मैं ये चाहती हूं कि आज जैसे कि यूपी के अंदर 60 से पार ही जाएगी, हमारा मानना यह है कि 60 से ऊपर ही जाएगी मोदी जी की सरकार बनेगी। केंद्र में एजेंडा का पूरे देश की बात की जाए तो तकरीबन 300-350 ऊपर आएगी। 300-350 आप मान के चल रहे हैं? पक्की बात है, ये मेरा कॉन्फिडेंस बता दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा जीतेगी और कॉन्फिडेंस है मेरा कि भाजपा को ही आना है। मैम आप बता दें दो लाइन में क्या कौन जीत रहा है इस बार? मोदी जी जीतेंगे। अच्छा आगे जी, मैं कभी बोली नहीं, मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए, बस प्लीज। बिल्कुल चलिए, आप कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं और दूसरी बात आप बताइए, मोदी जी जीतेंगे? सब मोदी जी बोल रहे हैं, बस हमारा वोट तो गठबंधन पे भी पड़ा है। नहीं नहीं, हमारा तो मोदी जी को है ना, हम हमारी जैसे सब लोग जो भी हैं सबको, सबका मोदी जी को है, मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं तो हमारा वोट मोदी जी योगी जी को है। अच्छा अच्छा ये बताइए कि आगरा में एसपी सिंह बघेल प्रोफेसर सांसद बीजेपी से हैं, दो अन्य प्रत्याशी भी हैं बहुजन समाज पार्टी से भी हैं, पूजा अमरोही, सुरेश कर्दम है, आगरा में क्या लग रहा है इस बार आगरा में किसकी सांसद कैसा बना है? जी मैं तो हूँ मथुरा से। हाँ मथुरा में हेमा मालिनी जीत रही जी? हाँ हमारे मथुरा से तो हेमा मालिनी जीतेंगी। अच्छा आगरा से ही बीजेपी ही जीतेगी। मथुरा में कुछ विकास काम किए हैं? बिल्कुल।